हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है केपी कॉलेज की यूट्यूब क्लास में। और हम देख रहे हैं बीएस सेकंड ईयर के लिए फर्स्ट पेपर, और उसमें आज नेक्स्ट आगे वाला पार्ट है ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं। कुछ प्रमुख विशेषता हैं जिसको हम आज इस वीडियो में जानेंगे। और इससे पहले आप ये भी जान लें कि ब्रिटेन का संविधान कैसे बना है, इसके स्रोत क्या हैं, ये भी जान लेना। और इससे संबंधित आप वीडियो नहीं देखें तो इससे पहले इसके वीडियो बन चुके हैं, तो आप वो भी देख सकें ताकि आज वाला ये है वो समझ में आए। तो आज हम जानेंगे ब्रिटेन संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं जिसको हमने पहले ही बोर्ड पे नोट कर ली हैं, जिसको बिना टाइम के यूज करते अपना नॉलेज एक्सपर्ट करते हैं। तो देखिए, पहला पहला जो पॉइंट है, और हम कहें कि पहला जो ब्रिटेन के संविधान की विशेषता है वो है विकसित संविधान। क्या है विकसित संविधान? अब इसमें ध्यान रखिए कि बहुत सारे जो देशों का संविधान है वह एक ही समय पर किसी संविधान सभा के द्वारा बना है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान उस कैटेगरी में नहीं आता है। ब्रिटेन का संविधान कई सालों से बनते बनते विकसित होता रहा है, ठीक है ना। लगभग 1400 सालों से ये विकास में है और ये विकसित होता गया है। तो इसके लिए कोई निश्चित समय या किसी सभा ने नहीं बनाया है, ये एक विकास का परिणाम है। विकास का परिणाम है, जैसे जैसे समय बदलता गया अपने अकॉर्डिंग देश में जो जो धाराएं विचारधाराएं आती गई और जो संविधान है वो विकसित होता गया। तो ब्रिटेन का संविधान है वो विकसित संविधान है, निर्मित संविधान नहीं कहेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि जैसे एग्जाम फॉर एग्जाम्पल पता था, ब्रिटेन का कोई राजा था, तो उस राजा के जाने के बाद कुछ राजा कमज़ोर हुआ तो उसने अपने काम करने के कुछ अधिकार अपने सामंत और मंत्रियों को दे दिए, तो इस तरह से उसके अधिकार कम और बाकी जो है उनके अधिकार बढ़ते गए। तो इस तरह से धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी वह धीरे धीरे गणतंत्रात्मक थी और बढ़ती गई, और ब्रिटेन के संविधान में कुछ नियम वगैरह बनते गए। तो बहुत सारे मतलब बहुत टाइम से ये प्रोसेस चला है, और ये ब्रिटेन का जो संविधान है वो विकास का एक परिणाम है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि ब्रिटिश व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण की गाथा भी इससे जुड़ी हुई है। और इस दृष्टि से ब्रिटेन संविधान की तुलना एक ऐसे विशाल भवन से की जा सकती है जिसके विभिन्न भाग अलग अलग पीढ़ियों से बने हैं, तो एक ही समय पर नहीं बना है, ये आप ध्यान रखें। दूसरा, बात करें अलिखित संविधान। बिल्कुल सही है, आपने पहले भी सुना होगा, आपने देखा होगा कि जब भी बात आती है अलिखित संविधान के बारे में तो ब्रिटेन का नाम आता है। तो ब्रिटेन का संविधान है वह अलिखित है। अभी अलिखित है और कैसे काम करता है ये आप सोच रहे होंगे, तो ध्यान रखें ब्रिटेन का संविधान अलिखित ही है, क्योंकि इसको किसी निश्चित समय पर कोई संविधान सभा ने निर्मित या बनाया नहीं है। ये क्या है, जैसे भी मैंने बताया था कि बहुत सालों पहले से ही संविधान के लिए यानी देश को चलाने के लिए लोगों ने कुछ कानून व्यवस्थाएं बनाई, कुछ परंपराएं थी वो भी कानून बन गए। तो इस तरह से ये धीरे 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 विकास के तौर पर बनता गया। तो इसको लिखा नहीं गया है, ये कि समय पर बना नहीं है, ये कई सालों के विकास की वजह से बन पाया है। तो अब इसमें ध्यान रखना है कि ये ब्रिटिश संविधान अलग संविधान और दुनिया का एकमात्र ऐसा अनूठा है जो एक बेमिसाल और एक अच्छा संविधान के तौर पर प्रस्तुत या प्रेजेंट भी हुआ है। अंग्रेज लोग सिद्धांतवादी कम और व्यवहारवादी अधिक होते हैं, इसी कारण उनमें अपने संविधान को लिपिबद्ध करने के प्रति सदैव अनिच्छा रही है। और ब्रिटिश संविधान में यद्यपि कानूनों के रूप में कुछ लिखित अंश भी है, लेकिन उसका अधिकांश प्रथाओं और परंपराओं से नाता है, और ये प्रथा और परंपरा अलिखित ही होती है। और यदि भी कानून में कुछ लिखित परंपरा है तो ये भी पूर्णतया संविधान के किसी लक्षण के कारण है। डॉक्टर टिकविले ने भी कहा है और न्यूमैन ने भी कहा है कि जो बात ब्रिटिश संविधान को एक अलग बनाती है ना, वो है वहाँ के अनेक नियमों का अस्तित्व जो नियम परंपराओं से बने हैं, और वे नियम जो परंपराओं से बने वे संविधान का हिस्सा हो गए। तो इसलिए लिखित संविधान ना होकर अलिखित है। फिर बात करते हैं लचीला और सुपरिवर्तनशील। बिल्कुल लचीला यानी जल्दी, कोई कहता है लचीला मतलब जल्दी मोड़ा जा सके या सुविधा के अनुसार उसको ढाला जा सके। तो हाँ, ये बिल्कुल ब्रिटेन का संविधान है, लचीला है और सुपरिवर्तनशील है, यानी बहुत इजी से उसमें समय के अकॉर्डिंग जो चीज़ें जरूरी हैं वो बदली भी जा सकती है। क्योंकि जैसे आपको पता होगा वर्तमान में संविधान दो प्रकार के होते हैं, लचीला और कठोर। लचीला सुविधा के अकॉर्डिंग परिवर्तन हो सके, कठोर जिसमें सुविधा के अकॉर्डिंग कुछ विशेष धाराओं के तहत, विशेष प्रक्रियाओं के तहत संविधान में संशोधन होता है तो वो कठोर तरीके से होता है। तो ब्रिटेन का संविधान है वह एक लचीले संविधान की श्रेणी में आता है, और ब्रिटिश संविधान इस दृष्टि से लचीला है कि ब्रिटिश संसद सामान्यतः बहुमत के आधार पर ही संविधान में कोई भी परिवर्तन कर सकती है। तो ये एक अच्छे से समझना है कि
जैसे अपने भारत की बात करें तो भारत में कुछ सिंपल सा कोई कानून बनाना, उसके क्या उसके लिए एक प्रस्ताव आता है लोकसभा, राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, तो ऐसे ही वो कानून बन जाता है। तो ये एक जो तरीका है वो संविधान में संशोधन के लिए अपनाया जाता है, जो सिंपल जैसे साधारण कानून बनाए वैसे ही संविधान में संशोधन हो जाए। तो ये तरीका और ये संविधान में परिवर्तन का एक लचीला कारण होता है। ठीक है, तो ये ब्रिटेन का संविधान काफ़ी लचीला है और सुपरिवर्तनशील भी है। फिर बात करें नेक्स्ट पॉइंट, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। बिल्कुल, ये कहते हैं कथनी और करनी में वे अंतर को हम यहाँ पे दृष्टि घोषित करते हैं, तो वही बात यहाँ पे होती है कि ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत सिद्धांत और व्यवहार में काफ़ी अंतर है। बाकी देशों के अंतर भी है कि सिद्धांत अलग होता है, व्यवहार कुछ और होते हैं, लेकिन ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो उनके सिद्धांत और व्यवहार में काफ़ी अंतर है। अब इसके एग्जाम्पल को अगर आप देखना चाहें कि कैसे ब्रिटेन का संविधान सिद्धांतिक रूप से अलग है और व्यवहार में अलग काम करता है, तो ध्यान रखें कि सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड में राजतंत्र है, आपको पता होगा ब्रिटेन में अभी भी राजतंत्र, लेकिन अगर व्यवहार में हम देखें तो आपको पता लगेगा कि व्यवहार में ब्रिटेन के सम्राट को तो सत्य नाम मात्र के सभी काम वहाँ की मंत्रिमंडल करती है, और मंत्रिमंडल करती है यानी वहाँ पर राजतंत्र ना होकर एक लोकतंत्रीय व्यवस्था है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे सैद्धांतिक अलग और व्यवहार में अलग है। दूसरा एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन संसद कैबिनेट पर नियंत्रण रखती है, लेकिन अगर व्यवहार में देखें तो स्वयं कैबिनेट को नियंत्रित किए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये इन दोनों में काफ़ी फर्क है, सिद्धांत तो और व्यवहार में भी। ठीक है, ये ब्रिटेन के संविधान की एक बेमिसाल विशेषता सामने आती है। फिर है संसदात्मक प्रजातंत्र। बिल्कुल, ब्रिटेन की जो संविधान है उसने कौन सा आवरण ओढ़े रखा है, संसदात्मक प्रजातंत्र। जैसे आपको पता होगा हमारे देश में संसदात्मक व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई है, तो अब वही व्यवस्था ब्रिटेन की जो व्यवस्था है जो विशेषता है वो जानते, संसदात्मक प्रजातंत्र। इसके बारे में आप ध्यान से समझेंगे, ब्रिटेन में संसदीय प्रजातंत्र को अपनाया गया है और ब्रिटिश शासन संसदात्मक व्यवस्था का आदर्श प्रतीक है। संसद संसदात्मक संस्था के तीनों ही लक्षण दोहरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध तथा कार्यपालिका के कार्यों काल की एक निश्चितता नहीं है वहाँ पे, और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पूर्ण अंशों में विद्यमान है। तो ब्रिटिश सम्राट कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान है और प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट, प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान होती है। इंग्लैंड में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में बड़ा घनिष्ठ संबंध भी है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान में संसदात्मक व्यवस्था है लेकिन प्रजातंत्र का रूप बहुत ही ज़्यादा दिखता है, ये चीज आप जान गए होंगे। नेक्स्ट हम ब्रिटेन के संविधान की और अच्छी विशेषताओं को देखते हैं, तो वो है संसद की सर्वोच्चता और या प्रभुसत्ता। और डॉक्टर लॉम ने, यहाँ पे हम बात करें एक विद्वान है डॉक्टर लॉम, जिसने ब्रिटेन की संसद के बारे में एक शब्द एक वाक्य कहा था कि ब्रिटेन की संसद है ना, ब्रिटेन की संसद है उनके देश के लिए सब कुछ करने का सामर्थ्य रखती है, या उसके पास पावर है, सिवाय स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। इसके अलावा वो ब्रिटेन के अंतर्गत सब कुछ कर सकती, कैसा भी कानून बना सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ब्रिटेन में सर्वशक्तिशाली वहाँ की संसद है, और संसद की सर्वोच्चता को ही हम कहते हैं संप्रभुता, क्योंकि हर जो कानून व्यवस्था वहाँ पे होती है वो संसद के अंतर्गत ही बनकर आती है। तो इस संबंध में आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि ब्रिटेन में अमेरिका और भारत के समान न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है, और ब्रिटेन संसद इस असीम शक्ति को लक्ष्य भी करती है, और यही वजह है कि ब्रिटेन वहाँ पर कानून निर्माण से संबंधित और काफ़ी कुछ मामलों में सबसे सर्वोच्च एक संस्था है। और ब्रिटेन की जो संसद है ना, ऐसी संसद पावरफुल कहीं पर भी नहीं है। तो ब्रिटेन की इस संसद की जो शक्तिशालीता और इस सर्वोच्चता को हम प्रभुसत्ता भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करें ब्रिटिश संविधान की, तो ब्रिटिश संविधान एकात्मक शासन व्यवस्था की ओर उन्मुक्त है। अब एकात्मक यानी एक तरह से ऐसी बात करके केंद्रीकरण को ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो ध्यान रखें क्षेत्र की दृष्टि से ब्रिटेन एक सुसंगठित इकाई है, और संभवतः इसी कारण ब्रिटेन में एकात्मक शासन को अपनाया गया है। संविधान के अनुसार शासन की समस्त शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निहित कर दी गई है, और ये केंद्रीय सरकार ही संपूर्ण देश के शासन का संचालन करती है। यद्यपि प्रशासनिक दृष्टि से केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना की गई है और इन स्थानीय इकाइयों को पर्याप्त शक्ति प्राप्त है, लेकिन अगर शासन व्यवस्था को सही से तो गौर से देखें तो ब्रिटेन में केंद्र सरकार काफ़ी शक्तिशाली और सर्वोच्च है, और इस तरह से एक केंद्रीकरण व्यवस्था पाई जाती है, एकता एक रूप पाया जाता है, सर्वोच्चता केंद्रीकरण
है। और ये चीज यहाँ पे मेंशन करते एकात्मक शासन व्यवस्था, इन देश की पूरी शासन व्यवस्था का एक गठजोड़ पाया जाता है, यानी एक के पास ही शक्ति होती है। जैसे केंद्र, अगर केंद्र शक्तिशाली है, केंद्रीय सरकार शक्तिशाली है, तो वो व्यवस्था कहलाती है एकात्मक शासन व्यवस्था। और संघ और इकाइयों के बीच शक्तियों का बराबर विभाजन होता है तो वो संघात्मक व्यवस्था होती है। तो अब हम बात करें नेक्स्ट ब्रिटेन संविधान की विशेषता की, तो शासन विधि का शासन। बिल्कुल, ब्रिटेन में कैसा शासन है? विधि का शासन है। विधि, कानून को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। और इस बारे में कहा है कि ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता जिस पर अंग्रेज बहुत अधिक गर्व करते हैं, विधि का शासन है जो हम बात कर रहे हैं। विधि के शासन का मतलब है कि इंग्लैंड के शासन का संचालन किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाया जाता है, वरन वहाँ के विधि के द्वारा संचालित होता है। कोई व्यक्ति वगैरह है वो उस कानून को बनाने वाला नहीं है, बल्कि विधि ही इन सब कानून व्यवस्था को बनाती है, उस देश को चलाती है। इस तरह से विधि के शासन का एक अन्य तात्पर्य है कि ब्रिटेन में सभी व्यक्ति, चाहे उसका पद स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालय के अधीन है। भले VIP हो या नॉर्मल आदमी हो, सभी के ऊपर एक ही शासन, एक ही कानून व्यवस्था लागू होती है। और ये ब्रिटेन के संविधान की बहुत अच्छी विशेषता में से एक विशेषता है। फिर बात करें नेक्स्ट, तो ब्रिटेन के संविधान की अगर बात करें तो अधिकार पत्र का अभाव है। जैसे हमारे बात करें, हमारे भारतीय संविधान में अधिकार की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है ना, एक अधिकार पत्र की घोषणा की गई है। लेकिन ब्रिटेन के संविधान में अधिकार पत्र का अभाव है। फिर भी किंतु नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों की विद्यमानता है, यानी उनके अधिकारों के बारे में उसमें लिपिबद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे अगर देखें ना तो अधिकारों की घोषणा या अधिकारों के बारे में जो पत्र हैं वह नहीं होते हुए भी उन लोगों को काफ़ी कुछ अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि वर्तमान राजनीति जीवन की सामान्य प्रवृत्ति है कि संविधान के अंतर्गत नागरिकों के लिए अधिकार होते हैं, ठीक है, और शासन को इसकी अवहेलना करने से वंचित रखा गया है। प्राय ऐसा समझा जाता है कि नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक है। ब्रिटिश संविधान में इस प्रकार का कोई भी अधिकार पत्र नहीं है। लेकिन संविधान में अधिकार पत्र का अभाव होने पर भी ब्रिटिश नागरिक अन्य देशों की तुलना में कम स्वतंत्र या कम अधिकार संपन्न नहीं है। उनको भी वही अधिकार, वही स्वतंत्रता है जो एक अधिकार घोषणा वाले संविधान में होता है। तो इस तरह से कुछ उनके अधिकार हैं जिनका मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, और उनको ये प्राप्त है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, शस्त्र धारण करने का अधिकार, आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार, अत्यधिक जुर्माने या अमानुषिक दंड से बचने का भी अधिकार, और भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये काफ़ी ऐसे अधिकार हैं जो वहाँ पे अधिकार की घोषणा होते हुए न होते हुए भी, अधिकार पत्र न होते हुए भी, वही अधिकार वही उनको तादत्य या स्वतंत्रता प्राप्त है तो दूसरे देशों को है। तो ये एक बेमिसाल होती है कि बिना अधिकार पत्र के भी उन लोगों को वही अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त है। नेक्स्ट बात करते हैं मिश्रित शासन प्रणाली। बिल्कुल, मिश्रित शासन प्रणाली का मतलब है कि ब्रिटेन में एक तरह से देखें कि राजा का शासन है तो राजतंत्र हो गया। फिर ये देखें कि वहाँ पर एक लॉर्ड सभा है जिसमें वहाँ के जो प्रमुख राजवंश के अधिकारी हैं वही उसके सदस्य बनते हैं, और वह रिटायर्ड होते हैं तो वंशानुगत प्रक्रिया है, उसके ही पूर्वज हैं या उसकी संतान है वो उसकी लॉर्ड सभा के सदस्य बनते हैं। तो इस तरह से कुछ कुलीन लोग ही उस सभा के सदस्य बनते, तो ये हो गया कुलीन तंत्रीय व्यवस्था। राजतंत्र कुलीन तंत्रीय, और एक है मंत्रिमंडलीय, यानी नाम मात्र की राजतंत्र है लेकिन पूरे देश की जो शक्ति है, यानी देश को चलाने का जो पावर है वो मंत्रिमंडल के साथ में ही है, संसदात्मक व्यवस्था के पास है। तो इस तरह से एक ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में तीन शासन व्यवस्था के गुण दिखते हैं, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और को लोकतंत्र यानी गणतंत्र जैसे। तो ये तीनों शासनों की व्यवस्था एक ही संविधान में हमें दिखती है। इस तरह हम कहें कि ब्रिटेन का संविधान मिश्रित शासन प्रणाली वाला है, समझ गए। अब बात करते हैं लास्ट ब्रिटेन के संविधान की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले क्या था कि ब्रिटेन में कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका मतलब एक ही हुआ करते थे, ठीक है ना, न्यायपालिका का काम भी कार्यपालिका करती थी और व्यवस्थापिका ये मिलकर करते थे। तो इस तरह से न्याय देने के लिए भी वहाँ की लॉर्ड सभा थी, और लॉर्ड सभा का जो प्रमुख व्यक्ति होता था वह न्याय भी करता था और व्यवस्था भी करता था। तो इस तरह से न्याय व्यवस्था स्वतंत्र नहीं थी। लेकिन 2005 के बाद, 2005 वहाँ पे हुआ था एक एक्ट, मतलब सुधार हुआ था, संवैधानिक सुधार। तो संवैधानिक सुधार 2005 के तहत क्या कर दिया कि न्यायपालिका को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से पृथक कर दिया। इस तरह से अब
अब वहाँ पर न्याय करने के लिए न्यायपालिका एक अलग स्तर से बनी हुई है और वह कार्यपालिका और व्यवस्था विकास से अलग है जैसे अपने भारत में है, और वह न्याय सही कर सकती है और व्यवस्थित भी कर सकती है। तो ये हुआ है, पहले ऐसा नहीं था, पहले न्यायपालिका कार्यपालिका का सॉरी ये कार्यपालिका और न्यायपालिका का अंग थी, लेकिन अब ये बदल गया है। और इस आधार पर दोनों में से पृथक कर दिया गया, अब एक सर्वोच्च न्यायपालिका और अन्य न्यायपालिका की स्थापना की गई है जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पूर्णतः पृथक हैं। और व्यवहार के अंतर्गत ब्रिटिश न्यायपालिका 2005 के पूर्व भी स्वतंत्र थी, लेकिन उतना फ्रीडम नहीं था, और इसलिए न्यायपालिका ब्रिटेन में न्यायपालिका कब से स्वतंत्र हुई, 2005 के बाद। तो ये ब्रिटेन के संविधान में एक विकसित और विकास में स्थिति का परिणाम है कि ब्रिटेन संविधान अलिखित होते हुए काफ़ी बेमिसाल है वो है, और काफ़ी देशों ने इनके संविधान से प्रभावित होते हुए सीखी या कुछ ग्रहण किया है। तो इस तरह से इस वीडियो के साथ ही आज का ये टॉपिक और ये लेसन ब्रिटेन के संविधान से संबंधित यहीं पे समाप्त होता है। अगर कुछ कंफ्यूजन रह जाता है तो आप जरूर संपर्क करें कॉलेज या इसके लिंक डिस्क्रिप्शन से। तो मिलेंगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए सब्बा खैर एंड टेक केयर।